फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मोर देन अ बिट, मोर देन एवरेज को कैसे इस्तेमाल करें, यानी स्पोकन इंग्लिश में मोर देन अ बिट और मोर देन एवरेज को कैसे बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत दिलचस्प लेसन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। मोर देन अ बिट या मोर देन एवरेज का मतलब होता है औसत से ज्यादा या थोड़ा ज्यादा। कई बार आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया है, मैंने औसत से थोड़ा ज्यादा खा लिया है, यानी मैंने नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा खा लिया है। तो फ्रेंड, जब आपको कहना हो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा या एवरेज से थोड़ा ज्यादा, तो आप मोर देन अ बिट या मोर देन एवरेज का इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया तो आप कहेंगे आई एट मोर देन अ बिट, या फिर आप ये कह सकते हैं आई एट मोर देन एवरेज। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि थोड़ा ज्यादा के लिए मैं मोर देन अ बिट या मोर देन एवरेज का इस्तेमाल किया। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने घर पर इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलता है, या हम बोलते हैं किचन में आप इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे, तुम थोड़ा ज्यादा पका दिए, यानी किसी चीज को तुमने नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा पका दिया या औसत से थोड़ा ज्यादा पका दिया। तो आप कहेंगे यू कुक्ड मोर देन अ बिट, या फिर आप ये कह सकते हैं यू कुक्ड मोर देन एवरेज। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ज्यादा के लिए आप मोर देन अ बिट या मोर देन एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। तुम थोड़ा ज्यादा वक्त लिए, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू टुक टाइम मोर देन अ बिट, या फिर आप ये कह सकते हैं यू टुक टाइम मोर देन एवरेज। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मोर देन अ बिट और मोर देन एवरेज का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस लेसन को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं देख सकूं कि आपने कैसे सीखा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।